जेके बैंक की अटॉनमी को बहाल करो, बहाल करो। जेके बैंक की अटॉनमी को बहाल करो, बहाल करो। नई दिल्ली की तानाशाही बहाल करो, नई दिल्ली की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई मुर्दाबाद, नई दिल्ली की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई दिल्ली की तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Was a gun in his hands, was a felties and atrocities on Kashmiris. Let me repeat. आपको मालूम होगा कि जो गवर्नर के ज़ेर कंट्रोल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसने एक इंतहाई तबाहकुन फैसले में जम्मू कश्मीर बैंक की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर बैंक को स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर लाकर इसे पब्लिक सेक्टर इदारा करार दिया गया, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक वो वाहिद इदारा था जो कश्मीरियों की और जम्मू की पूरी रियासत की एक शान है, और इसी खुद मुख्तारी को ख़त्म करके इस बैंक की के लिए चलना दुश्वार हो जाएगा। आप बैंक में चाहे कोई भी काम करें, कुछ भी करें, ये सारा कुछ अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के रहम करम पर होगा। तो हमारा गवर्नर से यही मुतालबा है कि अगर इस बैंक के 41% शेयर होल्डर्स आपकी सरकार के बाहर के लोग हैं, क्या आपने उनसे पूछ के मशवरा किया? आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में जो उनका अपना मतलब बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट जो है उसकी भी एक खिलाफ वर्जी है, जो रियासत की अपनी मतलब एक स्पेशल स्टेटस है उसकी भी पूरी तरह खिलाफ वर्जी है। हमारा आज का मुतालबा इसी चीज़ को लेकर है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो फैसला लिया गया है उसको कलादम किया जाए और गवर्नर साहब होश के नाखून लें और दिल्ली के इशारों पर रियासत की खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के इदारों से इरादों से बाज आ जाए। अगर ये हाल रहा तो आप क्या अपील करेंगे? मेरे हमने पहले भी आपसे कहा कि जिस तरह 35A को लेकर मैन स्ट्रीम जमातें और मुश्तरका मुज़ाहमती क़यादत और बाकी लोगों का मौक़िफ एक जैसा था, हमें उम्मीद है कि जैसे कल मीरवाइज़ उमर फारूक साहब का बयान भी आया, बाकी जमातों का बयान भी आया, हसीब द्राबू साहब ने भी खुल के बात की। मेरा एक मानना यह चीज़ है कि जो भी कश्मीर की बात करेगा हमें उसका वेलकम करना चाहिए और सारे कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को उठ के के दिल्ली को बताना होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जो जेके बैंक का अपना एक ऑटोनमस कैरेक्टर है, इसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके हैं, उनसे भी नहीं पूछा गया और बिल्कुल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह गवर्नर साहब ने जेके बैंक की अटॉनमी को ख़त्म कर दिया। मेरी गुजारिश होगी यहाँ की सिविल सोसाइटी से, ताजर अंजमनों से, सियासी जमातों से कि आप सब खाबी गफलत से बेदार होकर गवर्नर साहब को यह फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करें।